सब आपने जैसे कहा कि एक जगह जाके आपको रुकना पड़ेगा, ये कप है, ये इसको एक फैक्ट्री में बनाया गया, तो फैक्ट्री को किसी आदमी ने बनाया, उसको अल्लाह ने बनाया, लेकिन ये सारी चीजें दिख रही हैं मुझे, कप दिख रहा है, फैक्ट्री दिख रही है, मालिक दिख रहा है, इंजीनियर दिख रहा है, अल्लाह नहीं दिख रहा है, तो मैं कैसे यकीन करूंगा? कितनी चीजें हैं जो आंखें नहीं देख सकती लेकिन हम मानते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए, जैसे मिसाल के तौर पर एक मैंने जोक सुनी थी कि एक शख्स ने कहा कि मैं नहीं देख सकता, तो उसे किसी ने बहुत ज़ोर से मारा, कहा कि क्या तुम्हें अभी दर्द दिख रहा है? तो दर्द दिख रहा नहीं है लेकिन दर्द का एहसास तो होता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि दर्द नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हमें एहसास होता है, अल्लाह की कई निशानियाँ हैं। हमारी खुद की रूह के बारे में देख लें, मिसाल के तौर पर हमने अपने आप को देखा है जी, लेकिन एक वक्त आता है जब एक इंसान मर जाता है, जब वो मर जाता है तो लोग कहते हैं कि फलां भी दुनिया में नहीं रहे जी, लेकिन उसकी बॉडी तो जैसी थी वही है बॉडी यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं रहा? अब हम देखते हैं कि ये भी एक चीज है जो हम कोई और चीज थी जो नहीं रही, जो उसके अंदर है हम देख नहीं सकते, और उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो उसका एहसास होता है। आप बात कर रहे हैं तो एहसास हो रहा है कि आप हैं जी, लेकिन वो बॉडी होती है तो उसमें एहसास नहीं होता है। बहुत ही आंखें खोलने वाली आई ओपनिंग दलील है ये सब।